जैसे मैंने आपको बताया है मेरा प्रश्न होगा 100 रुपए के लिए, दूसरा प्रश्न होगा 500 रुपए के लिए, तीसरा होगा 1000, चौथा होगा 1500, आज 500। आइए भाइयों बहनों, हम खेलते हैं कंकालपति और हमारे सामने है नमन पेंडुलकर। तो नमन पेंडुलकर, कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं हमेशा हर रात को आपका शो देखता हूँ और आज भी आने का मौका मिला है। चलिए बढ़िया। तो आप किसी के साथ आए कि अकेले आए? अच्छा, तो कुछ सोच के आए कि आप कितना जीत के जाएंगे? और सर जीतने का तो दिमाग में है ही, पर वो हारने की बात आप छोड़ दीजिए, वो हमारे पे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो आपकी स्क्रीन पर होगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है? और लाइफ लाइन्स भी दी जाएगी आपको, लेकिन लाइफ लाइन्स हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम हमारे शो से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। तो पहला सवाल है, हु बिकेम द सेकेंड बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ वन डे इंटरनेशनल टू टेक 300 विकेट्स? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए अनिल कुंबले, बी वका यूनिस, सी अब्दुल रजाक, डी कॉन्ट्री वॉल्श। क्या आप श्योर है? आपके पास लाइफलाइन भी है, 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड और ऑडियंस वोट हम नहीं देते, तो भी आपको चाहिए तो आप नहीं कर सकते। सॉरी, तो अनिल कुंबले आपको लगता है सही उत्तर है? आप फिर भी सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। ए लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, ए अनिल कुंबले पे लॉक किया जाए। वही सर, बी जो ऑप्शन था वो सही उत्तर था। तो आपने गलत जवाब दिए, तो हमारे पास से आपको पैसे जाएंगे, तो हम बाद में देख लेंगे उसका। हम अगले सवाल पे जाते हैं। आपको गलत जवाब देना, सही जवाब नहीं देना, अगली बार से ध्यान रखिए। सो व्हेन वाज द एशेज क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्लेड? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। ए 1877, बी 1882, सी 1900, डी 1912। तो आप डी के साथ जाएंगे। आप कोई अगर लाइफ लाइन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। तो बाकी आपको क्यों नहीं लग रहा कि 1877 या 1882 या ये कुछ सही हो सकते हैं? सर क्योंकि क्रिकेट जैसे कि मैंने कहा बहुत पुराना गेम है और एशेज बहुत सालों से चलता आ रहा है, मुझे लगता है 1912 जो इसमें सबसे रिसेंट डेट है इन ऑप्शन में, तो मुझे लगता है 1912 जो आप। तो एशेज क्रिकेट आप बहुत पहले से देख रहे हो, तो आप 1912 के साथ जाएंगे। 1912 भी गलत जवाब है, सही जवाब 1877। तो इस बार आपको पैसे हमें देने पड़ेंगे, तो हम आपसे पैसे लेंगे और हमारे अकाउंट में जमा करेंगे। आप पेटीएम यूज़ करते होगे, तो हमें पेटीएम कर। थैंक यू। अगला सवाल हम जाते, तो अगले सवाल के लिए हम जाते हैं
प्रश्न है, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ए हैमिल्टन, बी महाराष्ट्र, सी पटना या डी पुणे? पुणे क्यों चूज़ करो? क्योंकि आप पुणे से इसके लिए नहीं, मैं तो मुंबई का हूँ सर। पुणे में ऐसे क्योंकि पुणे ऐसे शहर में मुझे नहीं लगता वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, और बाकी सब आप जो कह रहे हो उधर शायद हो सकता है, और कभी भी एक वेन्यू पे नहीं होगा। तो पुणे अगर एक डिस्ट्रिक्ट बताए तो मुझे लगता है पुणे गलत जवाब है। पटना में क्यों नहीं हो सकता सर? पटना वैसे तो बहुत कबड्डी खेलता है, पुणे में उतना नहीं है जितना पटना लोग खेलते हैं। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र वाला के लूडो खेलते हैं सर? महाराष्ट्र तो स्टेट है, उसमें और अलग अलग जगह पर हो सकता है कॉम्पिटिशन। और हैमिल्टन? हैमिल्टन में तो हो सकता है सर, वही पुणे में नहीं। तो आप डी पुणे के साथ जाएंगे? डी पुणे भी गलत जवाब है। सही जवाब हैमिल्टन है। ठीक है, आप हमसे अभी पैसे लेंगे तो 50-50 हो गया, देखते हैं बाद में, पैसे की बाद में देख लेंगे। सो हम अगले सवाल के लिए जाते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, विच सिटी इज द होम टाउन ऑफ धोनी? ए चेन्नई, बी रांची, सी जबलपुर या डी शिमला? आपको गलत जवाब नहीं देना, आपको सही जवाब देना। सही जवाब मेरे हिसाब से ए रांची है। वो बी पे रांची, ए पे चेन्नई है। बी रांची सही जवाब। तो आप बी रांची के साथ जाएंगे। अब पता है आपको धोनी कहाँ से? जबलपुर की नहीं, वो वहाँ पे नहीं पैदा हुआ, वो रांची में पैदा हुआ है। तो आप श्योर है कि बी रांची ही होगा? तो कंप्यूटर जी बी रांची पे लॉक किया जाए। रांची सही जवाब है। अभी आप हमें पैसे देंगे और आप कंगाल हो चुके हैं। तो दर्शकों, आप जैसे देख रहे हैं कि नमन तेंदुलकर कंगाल हो चुके हैं और वो अभी हमें पैसे देने वाले, जो कि हमारे शो के पास कोई पैसे नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, और ये हमें पैसे देंगे जिसे हम अगले शो के लिए हम स्पॉन्सरशिप ढूंढेंगे।